हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोग के लिए चिकन बिरयानी बनाऊंगी, दिल्ली स्टाइल अचारे बिरयानी। तो सबसे पहले मैं आपको, ये चावल है मेरे पास, मैं इसको धो के साफ से रखी हूँ। ये सेला बासमती चावल है, इसको मैं 2 घंटे पहले से भिंगो के रखी हूँ ताकि चावल खिले खिले और अच्छे बने। उसके बाद मैं आपको चिकन दिखा रही हूँ, चिकन मैं साफ से धो ली हूँ। और अब मैं आपको मसाले दिखाऊंगी, मसाले बताऊंगी। ये 1 कटोरी अदरक लहसुन, प्याज, 1 कटोरी अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है, इसको मैं चिकन में डालूंगी। और ये मसाले हैं, धनिया 2 चम्मच, हरी मिर्ची 4 से 5, 2 चम्मच लाल मिर्ची, नमक 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच ये धनिया सौंफ का पाउडर है और 1 चम्मच गरम मसाला। ये सारे मसाले मैं ऐड करूंगी चिकन में। और ये अचार है मेरे पास, इसको भी मैं डालूंगी, आधे मैं अभी डालूंगी और आधा लास्ट में डालूंगी। और ये पानी है मेरे पास, 1 स्पून केवड़ा और गुलाब जल का, इसमें मैं थोड़े से कलर डाली हूँ, इसको भी मैं चिकन में ऐड करूंगी। और ये कटोरी में लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज पत्ते हैं, इसको मैं छौंक के लिए रखी हूँ। और ये प्याज मैं लाल करके रखी हूँ, ये मैं बिरयानी में लास्ट में डालूंगी। और ये 1 कटोरी दही है, इसको भी मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको मिलाऊंगी, अच्छे से इसको मिला के 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रखूंगी। इसको मैं मिला चुकी हूँ और मैं अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखूंगी। चावल पकाने के लिए पानी चढ़ा चुकी हूँ, इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी। ये 2 चम्मच नमक डाली हूँ और 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और जीरा थोड़ा सा। आप इसमें शाहजीरा भी डाल सकते हैं, मेरे पास है नहीं तो मैं जीरा डाली हूँ। पानी को अब मैं उबालूंगी, उसके बाद चावल डालूंगी। पानी उबल रहा है और चावल डाल रही हूँ। अब चावल थोड़ी देर पकेंगे, फिर मैं इसके पानी को गिराऊंगी और बिरयानी बनाऊंगी। चावल पक चुका है, मैं चावल का पानी गिराई हूँ और इसको छन्नी में रखी हूँ और गैस पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ। और मैं इसमें 100 ग्राम फॉर्चून डाल रही हूँ, आप घी, फॉर्चून जो भी मर्जी डाल सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी डाल दूँ।
इसमें चिकन डालूंगी और डाल के भूनूंगी। चिकन भून रहा हूँ मेरा। चिकन भून चुका है, मैं चावल डालूंगी। चावल में डाल दिया, मैं इसमें एक कटोरी दूध डालूंगा। अचार आधी कटोरी में रखी थी वो डालूंगा। ये कलर दूध में मैं तैयार की हूँ, इसमें आधे चम्मच केवड़ा और आधे चम्मच गुलाब जल है। प्याज में बिरयानी करके रखी हूँ, आधे प्याज में डाल रही हूँ अभी, आधा मैं लास्ट में डालूंगा। दो चम्मच घी डाल दिए, बिरयानी को ढक दूंगी, फ्लेम को कम करूंगी और पकने दूंगी। पाँच मिनट तक कम फ्लेम पे पकने दूंगे। आप देख सकते हो 5 से 7 मिनट में बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं सर्व करूंगी। आप देख सकते हैं बिरयानी को मैं सर्व की हूँ और आप कितने इसके चावल खिले खिले हैं और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रही है बिरयानी। मैं चाहती हूँ कि आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें, बिरयानी बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और लज्जत है इसमें। पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।